हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, असम जीके पर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूँ। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखिए फ्रेंड्स, असम पुलिस का एडमिट कार्ड सभी बच्चों ने डाउनलोड कर रखे हैं शायद, और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का जो है ना अलग से अप्रैल में डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जित इम्पोर्टेंट फॉर देखिए फ्रेंड, PNRD, असम टेट पुलिस, जूनियर असिस्टेंस BA, DLED, एंट्रेंस टेस्ट, एनी स्टेट लेवल एग्ज़ाम। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके असम के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं GK के सारे इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको 150+ GK के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स, अभी जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको 1000+ वीडियो प्रोवाइड होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये बेसिकली आपका असम पुलिस से रिलेटेड है। असम पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, SI और कॉन्स्टेबल दोनों का। सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से GK के सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन एंशियंट टाइम्स असम इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, किसके नाम से जाना जाता था एंशियंट टाइम्स में असम, ठीक है। तो असम जो है ना प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर, किस वर्ष जो है ना कैपिटल जो है असम का वो शिफ्ट कर दिया गया था शिलोंग से दिसपुर में 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, गोपीनाथ बरदलोई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। श्रीमंत शंकर देव वॉज बॉर्न इन द ईयर, तो श्रीमंत शंकर देव का जो जन्म हुआ था 1449 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपके बता रहा हूँ, आपके कोई भी एग्ज़ाम, जब जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं असम के, सभी एग्ज़ामों में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो देखिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर, ठीक है। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम इन असम, तो आंसर आपका हो जाए फ्रेंड, 4 ऑप्शन दे रखे थे, गोबर रोजा और सुतान फा, ठीक है, पुरंदर सिंघा और जोगेश्वर सिंघा। तो पुरंदर सिंघा हो जाएंगे लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम इन असम, ठीक है। द ट्रिटी ऑफ यंग दाबो वॉज साइंड इन द ईयर, जो यंग दाबो है ना वो कब साइन किया गया था, तो 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यून सांग विजिटेड असम ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में ह्यून सांग ने भारत की यात्रा की थी भास्कर वर्मन के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सुकाफा एस्टैब्लिश्ड अहोम किंगडम इन चराय देव, तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, 1253 ईस्वी में, ठीक है। द वार ऑफ सरायघाट वॉज फाउट बिटवीन अहोम एंड मुगल इन द ईयर, किस ईयर में, तो 1671 ईस्वी में जो है ना फाइट हुआ था अहोम और मुगल के बीच। नेक्स्ट, महात्मा गांधी फर्स्ट विजिटेड असम इन द ईयर 1921, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो कि प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो आपके लिए जो है ना रामबाण से धोने वाले हैं, अगर आप जो है ना बता रहा हूँ कतई जहर बनने वाला है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर जो है ना एस्टैब्लिश की गई है 1970 ईस्वी में। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, गुवाहाटी जो यूनिवर्सिटी है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो कृष्णकांत हेंडिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और KK हेंडिक के द्वारा ही अभी जितने भी जो है ना UGC रिकॉग्नाइज कर दी गई है KK हेंडिक को, और जो है ना पहले वाइस चांसलर थे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। व्हेन द अपराइजिंग ऑफ पथरुघाट टुक प्लेस, अपराइजिंग ऑफ पथरुघाट टुक प्लेस कब, 1894 ईस्वी में। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन असम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, तो कौन जो है ना प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे स्वराज पार्टी के असम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट में, तो तरुण राम फुकन हो जाएंगे करेक्ट आंसर आपका। द होम किंगडम वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर, कब एस्टैब्लिश की गई थी, तो फ्रेंड्स 1228 ईस्वी में होम किंगडम को एस्टैब्लिश स्थापना की गई थी।
शिव डॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो शिव के जो है भूमि है या उनके डॉल है वो कंस्ट्रक्टेड किसके शासनकाल में की गई थी, तो शिव सिंघा के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात APSC रेगुलेशंस वॉज प्रमलगेटेड गेटेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, किसके पावर के अकॉर्डिंग जो है ना कब ये जो है ना असम पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रतिपादन या रेगुलेशन किया गया था, तो 1951 ईस्वी में। सादिया हुआ गुहाई वॉज कौन है फ्रेंड, सादिया हुआ गुहाई तो ये एक जो है ना नवल कमांडर है। नेक्स्ट, विच किंग इज ऑल्सो नोन बाई द निक्ड नेम एज भाग राजा, तो आंसर है फ्रेंड सुरम्फा कोहेन, भाग राजा के निक नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल द मृत्यु वाहिनी वॉज फॉर्म्ड बाई पुष्पलता दास द्वारा जो है ना फॉर्म्ड किया जाता है। नेक्स्ट, रंग घर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में किया गया है, तो फ्रेंड्स प्रेमत्ता सिंघा के शासनकाल में। वेन वॉज असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटेड फॉर्म, तो 1921 ईस्वी में जो है प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटेड को फॉर्म किया गया था। द असम रीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी इज इन, तो कब प्रेसिडेंसी को सेपरेट किया गया था, तो 1874 में। नेक्स्ट, द गोहाई कमल अली रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में गोहाई कमल अली जो है ना सड़क की स्थापना की गई थी या सड़क का उद्घाटन कराया गया था, तो नारा नारायण के शासनकाल में। द फर्स्ट अहोम मोनार्क टू अज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण वाज, तो शुहुंग मुंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन असम इन 1828 वाज लेड बाय, तो हो जाएगा इसका आंसर गोमधर कुंवर। ठीक है, द ढोडर अली इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके रेन में जो है ना ढोडर अली को कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो गदाधर सिंघा के शासनकाल में। नेक्स्ट, द जय सागर टैंक वॉज एक्सकेवेटेड अंडर द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, तो आंसर फ्रेंड्स रुद्र सिंघा। द डिस्ट्रिक्ट विच वॉज सेपरेटेड फ्रॉम असम एंड वॉज असम एंड वॉज गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान इन द ईयर 1947 वाज, तो किसके द्वारा, सिलहट द्वारा ये जो है ना पोस्ट किया गया या सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट, कामाख्या टेम्पल वॉज रीबिल्ट बाई विच वर द फॉलोइंग कोच किंग, तो नर नारायण द्वारा ये कामाख्या मंदिर का जो स्थापना या उसको का बनावट जो है ना फिर बनाया गया था, किसके शासनकाल में या किसके द्वारा, नर नारायण द्वारा। ठीक है, कनकलता बरुआ बिकम मार्टीर ऑफ विच वर द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट्स, तो आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप रट लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपको बेसिकली पुलिस के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। विच वर द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम इन असम, तो पहले जो है ना कैपिटल ऑफ, फर्स्ट कैपिटल पूछा गया है अहोम किंगडम के शासनकाल में, तो चराई देव थे फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ 1942 रेवोल्यूशन इन असम, तो कनकलता बरुआ हो जाएंगे जो पहले मार्टिर थी 1942 के रेवोल्यूशन में। वे कनकलता बरुआ जो है ना किसके शासनकाल में या किस मूवमेंट में उन्होंने अपना सहयोग दिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटिएगा। The Treaty of Yandabu signed between East India Company and which of the following kings, for the answer of reference King of Burma. Next question, the first peasant uprising against the British was known as Fulagudi Dhaba. Next question, the first phase of Mamoria rebellion was started in, kab isko start kiya gaya tha, 1769 isvi mein. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गोपीनाथ बरदले वाज अरेस्टेड फॉर टेकिंग पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, सो 1922। नेक्स्ट, द फूलगुड़ी अपराइजिंग वाज टेक्स प्लेस 1861 को ये देखा गया था फूलगुड़ी अपराइजिंग। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम असम जॉइंड द फेमस डांडी मार्च, सो आंसर इज लीलाधर बरुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटिएगा जरूर। द हिस्टोरिक असम अकॉर्ड वॉज साइन ऑन, कब ये साइन की गई थी फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1985 ईस्वी में। ड्यूरिंग विच अहोम किंग रेन द सरायघाट बैटल वॉज एंडेड विथ ए डिसिसिव
वेन ओवर मुगल, सो ऑब्वियसली हो जाएगा फ्रेंड्स उदयादित्य सिंघा. नेक्स्ट, विच ऑफ किंग क्रिएटेड द बोरबरुआ एंड बोरफुकन पोस्ट, आंसर इज प्रताप सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग विच आर द विच वन इज द ओनली असामिस हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंडन इन 1930. ऑब्वियसली इसका आंसर फ्रेंड्स चंद्रधर बरुआ. नेक्स्ट, विच स्वर्गदेव शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द असम के अहोम किंगडम फ्रॉम गरगांव टू रंगपुर, तो आंसर इज रुद्र सिंघा. नेक्स्ट, हु हैड डिस्कवर्ड टी प्लांट्स इन असम इन द ईयर 1823, आंसर इज रॉबर्ट ब्रूस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अहोम क्वीन बिल्ट द शिवाडोल इन शिवसागर, तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स फुलेश्वरी. The Namdang Stone Bridge was constructed during the reign of Ahom King. Answer is Rudra Singha. Next question, which Ahom King had the shortest reign of 21 days only? So, Samaguriya Roja. जो है ना एक अहोम राजा थे जिनका शासनकाल only 21 day का था. Next, who was the greatest king of the Pala dynasty of कामरूपा, आंसर इज धर्मपाला हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका. नेम द मुगल जनरल हु टुक पोजीशंस ऑफ द अहोम कैपिटल गरगांव इन 1662, आंसर इज मीर जुमला. नेक्स्ट, हु वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम, तो आंसर इज मनीराम देवान. जो सेंट्रल फिगर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह में, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ऑब्वियसली ढाका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका. नेक्स्ट, हु हैड एस्टैब्लिश्ड द बर्मन डायनेस्टी इन असम, तो जो बर्मन डायनेस्टी को जो है ना एस्टैब्लिश की गई थी वो किसके द्वारा, पुष्य वर्मन द्वारा. विच अहोम किंग इज ऑल्सो नोन एज बामुनी कोंवर, आंसर इज आपका हो जाए फ्रेंड्स सुदांगफा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज रेन इन चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग विजिटेड असम, आंसर इज भास्कर वर्मन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटिए जरूर. द मेमोरिया रिबेलियन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में जो मेमोरिया रिबेलियन हुआ था, तो लक्ष्मी सिंहा के शासनकाल में. नेक्स्ट, दैट इटा खुलिर रैन वॉज फाउट अगेंस्ट मुगल ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके द्वारा, किसके शासनकाल में, गदाधर शर्मा के सिंघा के शासनकाल में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर, मैंने बताया आपको 1973. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन विच हिल टॉप द कमाख्या टेम्पल इज लोकेटेड, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको नीलांचल पर्वत में. नीलांचल पर्वत पे जो है आपका प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर का धाम है. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन असम, ऑब्वियसली 5 है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन असम. टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र, तो ऑब्वियसली कितने रिवर हैं आपको मैं बता दूँ, 6 रिवर हैं टोटल ब्रह्मपुत्र में. द नर नारायण सेतु कनेक्ट्स द पंचरत्न टाउन विथ विच सिटी, तो जोगी घोपा. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन असम, ऑब्वियसली 33 डिस्ट्रिक्ट इन असम. तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपके 33 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं पुलिस कांस्टेबल के सभी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाने का ज़्यादा चांसेस है. विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन असम बाई एरिया वाइज, अगर हम लोग एरिया वाइज पूछे सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो कार्बी आंगलंग, ठीक है, छोटा मत समझिएगा, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है. इन विच डिस्ट्रिक्ट गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, ऑब्वियसली कार्बी आंगलंग, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो जोरहाट जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लोकेट की गई थी जोरहाट में. हाउ मच परसेंट ऑफ द इंडियन लैंड मास इज कवर्ड बाय द स्टेट ऑफ असम, 2.939, ठीक है, 2.39%. द लिटरेसी रेट ऑफ असम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 72.19%. नेक्स्ट, इन असम अ सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड, आंसर इज नामबोर रिजर्व फॉरेस्ट. नेक्स्ट, द पटकाई बम रेंज मेक्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 हाईली रेवर्ड पिलग्रिमेज फॉर द हिंदू मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, आंसर इज हाजो. नेक्स्ट, सियांग जॉइंट द लोहित एंड दिबांग मेक्स विच वर द फॉलोइंग रिवर्स, ऑब्वियसली महा ब्रह्मपुत्र.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम बूस्ट ऑफ द गोल्डन लंगूर? तो लंगूर जो है ना, गोल्डन लंगूर आपको कहाँ के, असम के कौन से जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है फ्रेंड? तो चक्रशिला के सेंचुरी में देखने को मिलता है, ठीक है, जंगल में। द एरिया ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क इज अप्रॉक्सीमेटली 430 स्क्वायर किलोमीटर। अबाउट 91% ऑफ होल वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर इज पिग्मी हॉग, ठीक है। 91% के वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको पर्टिकुलर कौन सा एनिमल आपको काजीरंगा के नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है? तो पिग्मी हॉग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मुगा एंड गोल्डन सिल्क इन द वर्ल्ड असम प्रोड्यूसेस? तो 99% ऑफ मुगा एंड गोल्डन सिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो असम द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द डेंसिटीज ऑफ राइनो पॉपुलेशन इज द हाइएस्ट? आंसर हो जाए फ्रेंड्स पोबितोरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए जरूर। द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ असम ऑकर इज? तो आंसर इज कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट, ऑब्वियसली जब आपका जो है ना क्षेत्रफल या लंबाई या चौड़ाई अगर पूछा जाए, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा है। अगर फॉरेस्ट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, कंसेंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट तो ऑब्वियसली इसमें ही ज़्यादा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियसली शिव सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द साइट ऑफ रेन फॉरेस्ट इन असम एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियसली ये हो जाए फ्रेंड्स जयपुर दिब्रुगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट टोबैको फ्री डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियसली जोरहाट, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है ना बिहार में ये लागू किया गया था जो है ना, हैज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट टोबैको फ्री डिस्ट्रिक्ट। ऑब्वियसली ये बिहार में पहले लागू किया गया था अप्रैल मार्च के मई के महीने में, लेकिन अभी जो है ना फिर भी वहाँ पर टुकटक मिलते ही हैं। लेकिन अभी जोरहाट, जो असम का जोरहाट जिला है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया गया है, वहाँ पर आपका कोई भी टबाको जो है ना बिक्री नहीं होगा, ठीक है, फ्री डिस्ट्रिक्ट है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बरपेटा, नलबारी और कामरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? तो कामरूप मेट्रो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ढोला सदिया ब्रिज इज बिल्ट ऑन द रिवर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए और समझ में आना भी चाहिए। तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स लोहित। जो ढोला सदिया ब्रिज बनाया गया है डिब्रूगढ़ में, ये सबसे बड़ा जो है ना ब्रिज बनाया गया है, लोहित इनका नाम रखा गया है ब्रिज का, ठीक है, रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द ओनली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर? आंसर इज सोनाई रिवर। इन विच लोकेशन द मानस रिवर जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर? आंसर फ्रेंड्स जोगी घोपा, एक ऐसा लोकेशन है जो मानस रिवर ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र इज द डैश्ड कितना 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो 15वां जो है ना सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इज? कितने डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं आपको ब्रह्मपुत्र बैंक रिवर के उधर में? आपको 21 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे। विच वन इज द लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र इज असम बिफोर इट एंटरिंग बांग्लादेश? आंसर इज लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर, ऑब्वियसली शंकोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम साहित्य सभा, ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। द असम साहित्य सभा वॉज फर्स्ट फाउंडेड इन द ईयर का फाउंड किए गए थे? तो फ्रेंड्स 1917 है ईस्वी में। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ असम साहित्य सभा वॉज हेल्ड एट? तो शिवसागर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा? तो कौन थे फ्रेंड्स जो असम साहित्य सभा के पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति? तो पद्मनाथ गुहाई बरुआ। फर्स्ट असामिस फिल्म जयमती वॉज रिलीज इन द ईयर 1935। विच वन इज द फर्स्ट असामिस नॉबल? तो कौन सा ऐसा पहला असामिस नॉबल है? तो भानुमती आपका जो है ना पहला असामिस नॉबल है। द स्टेट एंथम ओ मूर आपुनर देह वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द मैगजीन नेम्ड बाही? कौन से ऐसे मैगजीन जो है ना मैगजीन में ये पब्लिश सबसे पहले किया गया था? तो बाही मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए, द फर्स्ट असामिस मैगजीन अरुणोदय वॉज पब्लिश इन द ईयर 1846। द फर्स्ट असामिस टू कंपाइल अ डिक्शनरी नेम्ड हेमकोश इज़?
हेमचंद्रा बरुआ। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट असामीज टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? ऑब्वियसली इसका आंसर फ्रेंड्स वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड इज? तो बोनफुल जो है ना पहला बुक बनाया जो कि जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट, लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ इज ओनर्ड विथ रसराज बाय असम साहित्य सभा इन द ईयर 1931। नेक्स्ट, नामघोषा वाज रिटन बाय किसके द्वारा रिटन की गई थी? तो माधव देव द्वारा यह रिटन किया गया था। हलोदिया चौराय बावधन खाए वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन द ईयर 1988। द फिल्म हलोदिया चौराय बावधन खाए वॉज डायरेक्टेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानू बरुआ को ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज बाय शंकरदेव टू रिटन बोर्गे? तो ऑब्वियसली ब्रजवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्य शासनवली वॉज एडिटेड बाय डॉक्टर महेश्वर नियोग। द ऑथर ऑफ असोमिया या असोमिया साहित्य बुरंजी इज? तो किसको बोलते हैं फ्रेंड? देवेंद्रनाथ बरुआ को। द इलस्ट्रेशन वर्क ऑफ द मेडिएबल असामिस टेक्स्ट हस्ती विद्यार्नवा वॉज डन बाई किसके द्वारा? सुकुमार बोरकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अगेंस्ट इट सेल्फ? ऑब्वियसली इसका आंसर है फ्रेंड डॉक्टर संजीव बरुआ। इन एडिशन टू असामिस विच अदर लैंग्वेज फ्रॉम द स्टेट इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्वियसली आंसर इज बोडो। अली आई लीजांग इज एन एग्री बेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किसके द्वारा? मिसिंग द्वारा। मे डम मे फी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? 31st ऑफ जनवरी। हु डायरेक्टेड द असामिस फिल्म शकुंतला? आंसर इज डॉक्टर भूपेन हजारिका। विच वन वॉज द सेकेंड फिल्म डायरेक्टेड बाय ज्योतिष प्रसाद अग्रवाला? इंद्र मालती। आंसर इज विच वर द फर्स्ट असामिस फिल्म टू वॉन प्रेसिडेंस सिल्वर मेडल फॉर बेस्ट फीचर फिल्म? आंसर इज रोंगा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर असामिस फिल्म हलोदिया सराय बावधन खाए विंस द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज लियोपार्ड अवार्ड इन लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? आंसर इज 1988। द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय जानू बरुआ इज अपरूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक मरियम एस्टिन अथवा हीरा बरुआ इज रिटन बाय अरूपा कलिता पतिंगा। विच असामिस फिल्म बैग द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2014? आंसर इज अजेव। नेक्स्ट, विच वन इज द फर्स्ट मोबाइल थिएटर ऑफ असम? आंसर इज कोहिनूर थिएटर। शोभा वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ फाइन आर्ट्स, ऑब्वियसली याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असामिस ट्रांसलेटर ऑफ द रामायण? आंसर आपका हो जाए फ्रेंड्स माधव कांदली। हु इज द फर्स्ट असामिस वूमन टू बी अवार्डेड बाय द संगीत नाटक अकेडमी? आंसर इज प्रतिमा पांडे बरुआ। द फर्स्ट नोबेल ऑफ रजनीकांत बरदले वॉज, तो आंसर इज मीरी जियोरी। नेक्स्ट, Who wrote the book Bhakti Ratnavali? Answer is Madhav Dev. Who is also known as the father of the Brahmiman? Okay, of or mobile theater of Assam? Answer is Achyut Lahkar. Next question, which singer is also popularly known as the king of Bihu? Obviously, his answer or difference Khagen Mahanta. Which one is the first film where Bhupen Hazarika sings as playback singer Indra Malati? Next question, which Assamese poet is also known as the Prem Aru Rodalir Kobi? Next question, iska answer reference aapka Hiren Bhattacharya ji. In which year Mamuni Raisam Goswami win the Gyanpit Puraskar? To answer is 2000. Who had written the poetry anthology Alaknanda? Answer is आपका नालिनी बाला देवी। हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द असामिस मैगजीन जोनाकी? आंसर इज चंद्र कुमार अग्रवाल। इन विच ईयर असामिस मैगजीन जोनाकी वॉज फर्स्ट पब्लिश इज एन 1889। हु इज ऑल्सो नोन एज बिहोगी कॉबी? आंसर इज रघुनाथ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट असामिस रोमांटिक पोएम बोन कुंवरी वॉज रिटन बाई? आंसर इज चंद्र कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द असमिया भाषा उन्नति खाधिनी सभा? आंसर इज शिवराम शर्मा बरदोलोय। द फर्स्ट मॉडर्न असामिस थिएटर हॉल बान थिएटर एस्टैब्लिश एट तेजपुर इन द ईयर 1906। विच असामिस राइटर इज ऑल्सो नोन एज बकुल बोनोर
कोबी। आंसर इज आपका हो जाएगा फ्रेंड आनंद चंद्र बरुआ। हु हैड रिटन द बुक नेम प्रहलाद चरित्र चरित्र। आंसर इज हिमक सरस्वती सरस्वती। हु असामिस विच असामिस पोएट हैड ट्रांसलेटेड वाल्मीकि रामायण इंटू असामिस वर्ड्स सप्तकांड रामायण। आंसर इज माधवा कांडली। नेक्स्ट क्वेश्चन शंकर देवा हैड एस्टैब्लिश द फर्स्ट नाम घर एट बोर्डोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैड एस्टैब्लिश द बरपेटा सत्र इन बरपेटा। आंसर इज माधव देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैड कन्फर्ड गोपीनाथ बरदलोई विद द टाइटल लोकप्रिय। आंसर इज ब्रज कुमार नेहरू सॉरी जयराम दास दौलत राम। हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन मिशनरीज टू कंपाइल अ डिक्शनरी ऑफ द असामिस लैंग्वेज। आंसर इज माइल्स ब्रॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑल्सो नोन एज कला गुरु ऑफ असम असम का हो जाए फ्रेंड विष्णु प्रसाद राभा। हु इज ऑल्सो नोन एज गीति कवि ऑफ असम। आंसर इज पार्वती प्रसाद बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द असामिस मैगजीन प्रंतिक। आंसर इज भावेंद्र नाथ शैकिया। हु इज और राइटर ऑफ द नॉवल हलोधिया सोराय बहुदन खा। आंसर इज होमेन बोरगोहाई। इन विच ईयर भूपेन हजारिका वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा इन 1993। विच वन इज फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय भूपेन हजारिका। आंसर इज एरा बाउदर सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट असामिस लैंग्वेज लैंग्वेज मैगजीन अरुणोदय वॉज पब्लिश फ्रॉम शिवसागर। इन विच ईयर द फर्स्ट असामिस नॉवल मीरी जियोरी वॉज पब्लिश। आंसर इज 1894। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द इमेजिनरी कैरेक्टर नेम कृपा बॉर बोरुआ। आंसर इज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। आंसर इज चंद्रधर बरुआ। इन विच ईयर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ प्रिसाइडेड ओवर द असम साहित्य सभा सेशन। आंसर इज 1924 गुवाहाटी। In which year Omur Apunardekh was officially adopted as Assam state song? Answer is 1927. Under whose guidance the Vrindavani Vastra was woven by Assamese weavers? Answer is Sankar Deva. Which one is the first Assamese color film? A color film is answer is Bhaiti. Next question, who is the first Assamese recipient of Sahitya Academy Award? Answer is Jatindranath Dawara. Next question, which one of the following which one is the first Assamese novel to win the Sahitya Academy Award? Answer is Lyaru Ingam. Okay, next question, who is the writer of the poetry book Born Fool? Answer is Jatindranath Dawara. Who is the writer of the novel Mama Re Dhara Torwal Aru Dukhan Upanyas? Answer is Mamuni Roysam Goswami. तो फ्रेंड्स कैसे लगे यार बताइए हमें कमेंट करके। क्वेश्चंस को कमेंट करिएगा और आंसर को बताइए ज़रूर कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। यार बहुत मेहनत करता हूँ यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो हो सके जितना लाइक शेयर कमेंट मिलेंगे मैं उतना ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, और जितना आप हमें मुझे मोटिवेट करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यार एक लाइक एक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप असम कांस्टेबल या एसआई के लिए एग्ज़ाम देने वाले हो एबीयूबी के लिए तो आपको पूरा पीडीएफ आपको एग्ज़ाम पीडीएफ सारे के सारे मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ लिंक भी ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना हो सके जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहिए, रिविजन हमारे चैनल द्वारा लगाते रहिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम तक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम धन्यवाद।